मेघालय आने का अवसर मिला है। हर बार आपका प्यार बढ़ता ही जाता है, आपके आशीर्वाद भी बढ़ते जाते हैं। मैंने अभी शिलांग में देखा, अभूतपूर्व रोड शो किया उन्होंने और यहां आया, पूरे रास्ते भर बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। यहां भी आप इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा के लिए आपका ये प्यार कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, उनकी नींद उड़ गई है। उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि ये रैली न हो पाए, लेकिन मेघालय की जनता से जुड़ने के लिए, तुरा की जनता से जुड़ने के लिए मोदी को मैदान की जरूरत नहीं है। अरे मोदी को तो मेघालय वासियों ने अपने दिल में ही जगह दे के रखी हुई है। और मैं यहां चारों तरफ देख रहा हूं, मेघालय के लोगों की एक ही पुकार है, मेघालय मांगे बीजेपी सरकार, मेघालय मांगे। और मेघालय में बीजेपी सरकार के होने का मतलब क्या है, ये मतलब मेघालय के लोग भली भांति जानते हैं। ये मतलब है मेघालय में बीजेपी सरकार यानी मेघालय का तेज विकास बिना भेदभाव, मेघालय के हर क्षेत्र का विकास। मेघालय में बीजेपी सरकार यानी बम, ब्लॉकेड और हिंसा से मुक्ति। मेघालय में बीजेपी सरकार यानी हर रीजन और हर रिलीजन को सपोर्ट करने वाली सरकार। मेघालय में बीजेपी सरकार यानी घोटालों और करप्शन से मुक्ति। मेघालय में बीजेपी सरकार यानी गरीबों को पक्का घर, बिजली और पानी की सुविधाएं पहुंचाने वाली सरकार। मेघालय में बीजेपी सरकार यानी यहां के यूथ को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके। मेघालय में बीजेपी सरकार यानी यहां की महिलाओं, बहनों, बेटियों की दिक्कतें कम करने वाली सरकार। मेघालय में बीजेपी सरकार यानी यहां पर कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली सरकार। भाइयों और बहनों, बीजेपी सरकार का ये निरंतर प्रयास रहा है कि मेघालय के ट्राइबल कल्चर, यहां के म्यूजिक, यहां की भाषा का प्रचार प्रसार हो। हमारी सरकार ने जब मेघालय के प्रोफेसर बादा पलीन बोर और म्यूजिशियन रिसिंग बोर कुरका लांग को पद्म सम्मान दिया, तो उसके पीछे भी यही भावना थी। मन की बात कार्यक्रम में भी मुझे मेघालय के कल्चर, यहां के सामर्थ्य के बारे में बताने का
अवसर मिलता रहता है। पिछले वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव में आपने जिस प्रकार वीर यूथ तिरोत सिंह जी को याद किया, उसको मैंने देश के साथ शेयर किया। मेघालय की ऐसी वीर गाथाओं से देशवासियों को भी प्रेरणा मिलती है। लेकिन जब मैंने मेघालय के चेरी ब्लॉसम की बात मन की बात में बताई तो इससे लोगों को सुखद आश्चर्य हुआ। मेघालय की फ्लाइंग बोट हो या फिर जयंतिया हिल्स में मिली केव फिश, करोड़ों लोगों के इनकी जानकारी मन की बात से ही मिली है। ऐसे ही प्रयासों के कारण अब देश दुनिया में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में मेघालय की पहचान बढ़ रही है। अब तो मेघालय में G20 की मीटिंग भी होने वाली है, जिसमें दुनिया के अनेक विकसित देशों के लोग यहां आएंगे। इससे मेघालय की पहचान दुनिया भर में सशक्त होने वाली है। साथियों, मेघालय सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमने पुरानी सोच और पुरानी अप्रोच को बदल दिया है। कांग्रेस की सरकारों ने तो इस क्षेत्र को देश का आखिरी हिस्सा मान लिया था, जबकि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानती है। कांग्रेस के लोगों को तो मेघालय की याद सिर्फ चुनाव के दौरान ही आती थी। कांग्रेस और उसके जैसे दलों के लिए नॉर्थ ईस्ट सिर्फ और सिर्फ एटीएम रहा है। जैसे एटीएम से जाकर के पैसे निकालते हैं ना, ये दिल्ली में ऐसे लोग बैठे थे कि नॉर्थ ईस्ट से पैसे ही निकालते थे, वो उनके लिए एटीएम था। आपके हक का पैसा ये लूट लेते थे, जबकि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ईमानदारी से पाई पाई के इस्तेमाल पर विश्वास करती है। आज केंद्र की बीजेपी सरकार गरीब के लिए, किसान के लिए, बहनों के लिए जो भी पैसा भेजती है सीधे बैंक अकाउंट में भेजती है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई एटीएम नहीं, कोई लूट नहीं। लेकिन साथियों, आपको एक और बात समझनी चाहिए। अनेक तरह के विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ काम करना पड़ता है। पड़ोस में असम हो, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी कितना बेहतरीन काम शुरू हो गया है। बीते 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट के लिए बजट में कई गुना बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने की है। मेघालय को भी बहुत अधिक बजट मिला है। लेकिन आज जब यहां लोगों की बातें सुनता हूं तो बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं कि पैसा लगा ही नहीं, न सड़कें बनी, न स्कूल कॉलेज, न अस्पताल बने, फिर वो पैसा गया कहां? यहां का यूथ कह रहा है कि यहां रोजगार के अवसर इन्होंने खत्म कर दिए हैं। जो भर्तियां होती हैं
उनमें करप्शन है, भाई भतीजावाद है। भाइयों और बहनों, इन्हीं सब बातों को देखते हुए ही मेघालय ने तय किया है कि दिल्ली और शिलांग दोनों जगह बीजेपी सरकार होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेघालय के हक का पैसा मेघालय के विकास में लगे, इसके लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। यहां बीजेपी सरकार जरूरी है। मेघालय को आगे कैसे बढ़ाना है, ये विजन और विश्वास बीजेपी के पास है। हर अड़चन के बावजूद बीते 9 वर्षों में अनेकों आदिवासी गांवों तक अधिक पैसा दिल्ली से भेजा जा रहा है। गांव की सड़कों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने इसके लिए रिकॉर्ड बजट रखा है। पिछले 9 वर्षों में मेघालय में नेशनल हाईवे के निर्माण पर 5000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।